हेलो यूट्यूब, हेलो एवरीवन। चलो आज हम लोग मिल के बनाते हैं क्लस्टर बीन ग्वार फली की सब्जी। और ग्वार फली की सब्जी वैसे तो किसी को पसंद नहीं आती है, बट इसमें बहुत सारे विटामिन्स और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होता है, दैट इज़ वाई हम इसका यूज़ करते हैं। इसके लिए हमको कुछ किचन्स में हमारे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी, जैसे कि जिंजर, ग्रीन चिली, क्यूमिन सीड, गार्लिक कैंडल। सारे इंग्रेडिएंट हम हमारे टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और ये सारे इंग्रेडिएंट नहीं हैं तो आप एक साथ उसे ले लीजिए और उसके बाद सब्जी बनाना स्टार्ट कीजिए। ये इंग्रेडिएंट ड्राई सब्जी के लिए है, तो हम आज बनाने जा रहे हैं ग्वार फली की सूखी सब्जी यानी ड्राई सब्जी। देखो, इसमें कटी हुई ग्वार फली ले लेते हैं, बेकिंग सोडा की ज़रूरत पड़ेगी, इफ रिक्वायर्ड पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, ऑयल है, क्यूमिन सीड है जो ज़ीरा बोलते हैं, जिंजर है, जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट, क्रश्ड गार्लिक यानी कि लहसुन को हम क्रश कर देंगे, चॉप्ड अनियन, टर्मरिक पाउडर, हल्दी ले लेते हैं, कॉरियंडर, धनिया पाउडर ले लेते हैं, मस्टर्ड पाउडर, चिली पाउडर और सॉल्ट, जैसे आपको टेस्ट में लगे उस हिसाब। ऑयल एक पान में ले लीजिए, उसे हल्की आंच पे हीट होने दीजिए। उसके बाद वो थोड़ा हीट हो जाए तो नेसेसरी लाइक ज़ीरा उसके अंदर डाल दीजिए, क्यूमिन सीड। वो जब थोड़ा सा पक जाए, मतलब जले नहीं, जलाना नहीं है इसको, उसके बाद हम क्लस्टर बीन उसमें डाल देंगे। क्लस्टर बीन डालने के बाद हम उसे हल्के हल्के हिलाते रहिए, उसे थोड़ी देर होने दीजिए। क्लस्टर बीन डालने के पहले जिंजर ग्रीन चिली का पेस्ट डालना मत भूलिए, और उसके बाद जब वो हो जाए उसके साथ अनियन भी हम ऐड करेंगे, जिससे उसे 2 मिनट तक फ्लेम, हल्की मीडियम फ्लेम पर उसे हम पकाएंगे। पूरी सब्जी होने में 3 से 4 मिनट लगेंगे, और अगर आपको इसे अच्छे से पकाना है और आपको चाहिए कि इसे ये और सॉफ्ट हो जाए, तो इसे बनने के बाद ढक दीजिए थोड़ी देर तक, 15 से 20 मिनट तक, जिसकी वजह से वो अच्छे से बन जाएगा। इसे रोटी के साथ गरम गरम खाने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए हम इसे रोटी के साथ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे हर एक का अलग अलग टेस्ट होता है। ये तो हो गई सिंपल गुआर फली सब्जी, गुआर फली की सूखी सब्जी। अब चलिए हम इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। क्लस्टर बीन यानी गुआर फली वजन कम करने के लिए बहुत लाभदायक है। इसके अगर आप डाइटिंग पे हैं तो ये गुआर फली की सब्जी आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, और आपकी जो डाइटिंग की स्ट्रेटजी है उसमें आप ये ग्वार फली ज़रूर ऐड कीजिए। सेकेंडली, डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी काफ़ी असरदारक होती है। अगर आपको कब्ज़ हो गई है तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगी, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छी तरह से होता है, फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए ये कब्ज़ में आपको बहुत राहत दिलाएगी। अगर आपको आर्थराइट है या संधिवा जैसे यानी जो जोड़ों की बीमारियाँ होती है वो है आपको, तो यहाँ भी ये हेल्पफुल होगी आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये आपकी हड्डियों को मजबूती देने में खूब अच्छी रहेगी। तो ये थे ग्वार फली के क्लस्टर बीन के फायदे, और ग्वार फली बनाने का, ग्वार फली की सूखी सब्जी बनाने का तरीका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट में बताइए, और आपको किस चीज़ की रेसिपी आपको जाननी है वो हमें बताइए, तो हम आपके लिए वो बनाएंगे और उसका वीडियो आपको देंगे, और अच्छे कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।